बजट से क्या उम्मीदें थी, क्या बजट खरा उतर पाया है? देखिए उम्मीदें तो बहुत थी, हम लोग पार्लियामेंट में आए हैं तो उम्मीद ये थी कि बहुत सारे कल्याण की योजनाओं पे, नौजवानों पे, किसानों पे, महिलाओं पे बात होंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी इस देश की समस्या बेरोजगारी, तो इंटर्नशिप की बात हुई है, लेकिन इंटर्नशिप के बाद क्या रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी, जैसे अग्निवीर के पांच साल के बाद अग्निवीर क्या करते हैं, उसी तरह से बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का इंतजाम किया गया है। महिला कल्याण पे जो बातें हुई है सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन भारत में कामकाजी ज्यादा से अच्छी ज्यादा महिलाओं की संख्या है घरेलू महिलाओं की, तो घरेलू महिलाओं की रसोई कैसे जो है अच्छी हो और उनका घर जो उनके बजट के दायरे में कैसा है, इसके लिए कोई जो है महंगाई पे कोई लगाम नहीं लगाई गई है। किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन किसानों के लिए जो मेन प्रायोरिटी थी उनकी, जिसके लिए वो 17 महीने आंदोलन करते रहे, 700 किसान जान गई, एमएसपी की गारंटी पे सरकार ने कुछ नहीं कहा, साथ साथ हेल्थ का बजट जो है जो बढ़ाया जाना चाहिए था, हेल्थ का बजट नहीं बढ़ा है, एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ा है। सवाल ये है कि जो SC ST के OBC के बच्चे हैं वो विदेश पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया सरकार ने? SC ST OBC के लिए जो कोई कल्याणकारी योजना मुझे पूरे बजट में दिखाई दी। साथ साथ आज भी विकसित भारत की बात हुई है, हेल्थ जो है वो प्राथमिकताओं में नहीं है सरकार की, क्योंकि जो सूची उन्होंने दी है नो विकसित प्राथमिकताओं की सूची, उसमें नहीं है हेल्थ। और आज भी अगर भारत में गटर में लोग जान दे रहे हैं और आज भी जो है भारत का मतदाता गटर में उतर रहा है, तो सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया आपने? सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, और इससे समस्या से राष्ट्र समस्या जो गटर की है इससे निजात दिलाने के लिए आपको जो है एक अलग से बजट की व्यवस्था करनी थी। मशीनें आप चाहें तो सब जगह लगवा सकते हैं तो लोगों की जान सुरक्षित हो जाए, और रोजगार दे सकते हैं तो रोजगार नहीं दिया गया। तो ऐसा लगता है कि ये बजट खोखला है, और खोखले बजट से जो उम्मीदें जनता को थी जनता ठगी गई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.